एसपी सिटी सोनम कुमार तथा एडीएम सिटी राकेश कुमार श्रीवास्तव के नेतृत्व में कैंट पुलिस ने कूड़ाघाट चौराहे पर सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया और बेवजह घूम रहे लोगों का चालान काटते हुए जुर्माना भी वसूला, जिसके संबंध में एसपी सिटी सोनम कुमार ने बताया कि लॉकडाउन का पालन करवाने के लिए डॉयल 112 शेरनी दस्ता तथा कैंट पुलिस के साथ वाहनों की चेकिंग की गई। कुछ लोग बिना कारण घर से बाहर निकल गए जिनकी उनको आवश्यकता नहीं है, ऐसे लोगों के वाहनों का चालान तथा उनके वाहनों को सीज किया जा रहा है। एसपी सिटी ने बताया कि यह अभियान महानगर के विभिन्न थाना क्षेत्रों में चलाया गया। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि अनावश्यक घर से बाहर ना निकले। कोरोना अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है, कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए घरों में रहें, सुरक्षित रहें। इस अवसर पर सीओ कैंट व एएसपी राहुल भाटी, कैंट थाना प्रभारी अनिल उपाध्याय सहित डायल 112 व शेरनी दस्ता की टीम मौजूद रही। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडीएम सिटी राकेश कुमार श्रीवास्तव और एसपी सिटी सोनम कुमार ने कहा, यहाँ पर कुछ गाड़ियाँ जो आवश्यकता के अनुरूप नहीं निकली हैं, जिन्हें कोई मेडिकल फैसिलिटी नहीं चाहिए, ऐसी गाड़ियों का चालान किया जा रहा है और जो लोग मास्क नहीं लगाए हैं उन पर 1,000 रुपये का चालान किया जा रहा है। सख्ती से निपटा जा रहा है और लॉकडाउन को पूरी कठोरता से पालन कराया जाएगा। सर, जो लोग नहीं मानते उनके खिलाफ 188 का मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये हम लोग शहर में अलग अलग जगहों पे अभियान चला रहे हैं, डायल 112 शेरनी दस्ता सबको बुला करके सख्ती से चेकिंग की जा रही है। जो लोग अनावश्यक रूप से घर से बाहर निकल गए हैं
जिनका एसेंशियल कोई काम नहीं है या जिनका कोई तिमारदार जो नहीं है, उन सबको रोका जा रहा है, उनका चालान किया जा रहा है, उनकी गाड़ी भी सीज की जा रही है। और ऐसे ही सख्त कार्रवाई आज की जाएगी पूरे दिन, ताकि लॉकडाउन जो है अच्छे तरह से अनुपालन कराया जा सके। लोगों से अपील है कि बिना मतलब घर से बाहर ना निकलें। कोरोना के केसेस कुछ कम हुए हैं लेकिन अभी भी खतरा बराबर है, इसलिए हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम इसे आगे बढ़ने से रोकें। और हम सबको अपने घर में रहना चाहिए, बाहर बिना मतलब नहीं निकलना चाहिए।